बाबा की कोशिश करियो और बाप की प्रतिज्ञा याद आएगी और आंखों में पानी भी आ जाएगा तो मैं उसी समय श्राप दे दूंगा। रोहतास कंवर माँ की याद करके ना दो शब्द तो बोल दियो, तीसरो बोलता है बाप की मर्यादा याद। बोले दुख और छाती बदल की कर ली जब रोहतास कंवर माँ की ममता ने त्याग कर मोड़ी गो उतरानी का तन तन को तो कपड़ो फाड़ दियो और मदना उतरानी को चेहरो सुंदर सो बदन गोरो सो तो ऐसो बदन कौन छोड़ो और ऐसो चेहरो कौन छोड़ो जी के निशान ना आवे जो ही गिराए के चेहरा हमें देख कर उल्टो चलो जाए बेसा के तो बोनी बट्टाई को नुया एक बार सोनो भी दे दी और बेसा का घर मैं तो ये की भी गिराए को ना वापिस जाने के पश्चात बेसा ने विचार किया कि या तो कुसुम बहरवाली है आई को आपा कराई के गा रांड आपने बेसापना को काम से दिल प्रति आपने कर मोड़ तोड़ वाला राजा महाराजा हो जा। आज एक आदमी भी कोने आयो आग लगा से सोना के कानान तोड़े जंदाड़ा से खवावो छे कि ऐसा सोना का आग लगा जो काना नहीं तोड़े। उसी समय पीला बादल उतर भाग फाड़ती है और मदनावत को हाथ पकड़ के ना और मुंह चौराया पर चली गई जींदे बोली लग रही थी जार खड़ी होगी बोले ओ सेठ जी बोले खे भाई बोले महाराज या बेरवानी तो ऐ सुख छे मेरे तो काल बौनी बट्टाई कोनु या और आई के ने तो बांदर बालू रही से आई ने तो बांदरा बालू से ना जो झूर झूर खागा और मेरा तो घर के मायने बौनी एक रुपयो की पैदा कोनु हुई मैं तो मेरो एक बार सोनो दे दे या तेरो माल उठो ही। इसी प्रकार से बेसा वापस अपना एक बार सोना ले लेती है और उधर से एक दयाकारो ब्राह्मण बैठे जो वह ब्राह्मण बोले भाई एक बार सोनो बेकना ले लिया मैंने। उसी समय रानी मदनावत को लेकर के कहता है कि ये जो बच्चा है ये कितना कबसूरत है आई को मोल के बोले को आधो बार सोनो आधा भार के अंदर रोहतास कंवर को ले लेता है बच गो राजा डेढ़ बार सोना में माँ और बेटा को एक ही ब्राह्मण के घर बेच दिया और उधर से कालू नाम का भंगी आता है और वो भंगी आकर के कहता है कि भाई कौन सा बच रहा है बोलो महाराज या बचरू से तो बोले मैं एक ने कोई सुरान पानी पावालू को मैंने देते बोले की कीमत बता बोलो एक बार सोनो एक बार सोना में देकर के कालू भंगी को सौंप देता ब्राह्मण ढाई बार सोनो दे रवानगी। एक भार कितने का होता है एक भार कितना कोस है कितना कोस है कौन था फिर तो वो खताब तो गवाय उसे देखो भार कई प्रकार का होता है एक बार ऊंट को एक बार मानुष को एक बार हाथी को एक बार गदा को एक बार हर्ष को और एक बार मन को और एक बार तोल को कई प्रकार का भार होते हैं कई प्रकार का भार होते हैं। लेकिन राजा हरिश्चंद्र के पास में जब विश्वामित्र बेचा था वो तोल का भार था वो तोल का भार था जिसमें तोल में कितना था 65 किलो 332 तोला 58 ग्राम 6 अन्ना इतना एक भार का तोला बनता है एक भार सोना बनता है और भार होता हाथी का लेकिन वो हाथी का भार नहीं था नहीं घोड़ा का था नहीं खच्चर का था नहीं गधे का था नहीं कोई हर्थ का था नहीं कोई मानस का था सिर्फ वो तोल का भार था। इसी प्रकार से राजा ऊंडे भी दे सके लेकिन राजा बचन दी ओड़ो एक कोड़ी कौन ले सके
देख लिया, क्योंकि लड़की खजाना पर बैठ गई तो देख लिया। नहीं कहे खजे राजा उंडी कौन दे, राजा का रिश्तेदार भी तोल देता, लेकिन तोल क्या, जब चाबी दे देता है कन्या को, चाबी दे देता है तो जितनी धनराशि रिश्तेदारों की होती है, जब तक राजा मुकुट नहीं होता है तब उसी लड़की का हक होता है। इसी प्रकार से उनका रिश्तेदार भी उसकी सहायता नहीं कर सके। जब राजा हरिश्चंद्र ब्राह्मण के घर में रोता कंवर और उसकी माता मदनावत रहती है, ब्राह्मणी की सेवा करती है, पंडित की सेवा करती है, पानी भर करके लाती है, दिन प्रति स्नान दान कराती है, बेटी सम्मान रखता है। भक्तो वह सत का जमाना था, अगर मोल ले गो सोने तो वह उन रानी भी रख सके, लेकिन वो सत का जमाना था। अपनी बेटी के सम्मान मान करके उसका पालन पोषण किया, बेटा सम्मान मान करके उसको दिन प्रति फूल मंगवाता, वह फूल तोड़ जाता और वह स्नान करवाओ करती रूले सेवा। राजा ही सुंदर नहीं, लेकिन यार बंगी गयो, बंगी बोले भाई साहब मैं जाति का मैत्र हूँ, तू मेरा हाथ को भोजन कौन खा सके, या बढ़िया की दुकानदारी आए मैं चाहे जितनो सौदो लिया और बना लेते रहो खाया जा, एक रुपया से लेकर लाख रुपया तक जो भी पैसा होगा वो मैं दूंगा। इसी प्रकार से हरिश्चंद्र राजा सूर्य की कुटिया में ड्यूटी, बाणिया करने जाए, शाम में सामान लावे, दो रोटी बनावे और एक बाबा जी आकनार कह दे जय शंकर की। बोलो भाई तू कौन है, बोलो मैं भूखो बाबा जी, तो बोले भाई दो रोटी बनाए जो तू खा ले, मैं दाफो जनाई दूंगा, तुम बोले दाफ जन दे दीजिए भाई। इसी प्रकार से राजा हरिश्चंद्र जब भी सुबह शाम भोजन बनावे और विश्वामित्र कदे कुत्तो बन राजा है, कदे बाबा जी बन राजा है, कदे ब्राह्मण बन राजा है, हरिश्चंद्र राजा का तो अन्न पानी मुंडा पर लाग भाई। खाता रहा खाता रहा, एक दिन जागना बोले महाराज तेरी कुटिया में जो आदमी छे ना, जिस सूरन पानी कौन पाया जा रहे, जिन गेड़ो मुठी कौन गेरी जा रही हो, राजा जाकर के कालू भंगी राजा हरिश्चंद्र का कोड़ा मारता है और बोले मेरा सूट तिसाया रखे जे या गढ़ियो उठार पानी बरकना। ऊंडी से रोहतास कंवर का पिता पानी भरने के लिए आता है और इधर से रानी मदनावत पानी भरने के लिए जाती है। जब गढ़िया तो डबो दियो, लेकिन गढ़ियो उठे को भूखा से कहीं उठे, और जब मदनावत ने देख गया और राजा की हिम्मत होगी का अपनी रानी आ गई, अब अपन गढ़ियो ठा दे। और जब उसी समय गढ़िया डबोगा हुआ बैठा था, मदनावत रानी आकेदार सामने दिखी और हाथ जोड़ कनार कहबा लगो, तो क्या तो राजा हरिश्चंद्र कह रहा था और क्या मदनावत रानी सुन रही थी। गड़ियो था पत रानी या मुसे उठरो को देख जे चाहते, अरे या पिरान गठ में बच रो या बेरी छूटो को नावत तो रानी और सूरत साया बैठा सी मैं सुन पाऊंगो पानी और मो माया को लग्यो तो बंचो
अब पैंडो छूट यो को यो अब मेरे सिर पर सुन बैठा छी टोटा अर मैं के करूं रानी या पाप को बांधो बेरे पो करो को मेरे माई बंडी जी ने मैं जान जो तेरे माई बंडी जी तू जान दी छे नाम आपनो तेरो मेरो एक जगह मेल मिलियो छे हे रानी मेरी थोड़ी सी सहायता कर दे कहो राजन क्या बात है बोलवे के सारो लगा दे रिया घड़ियो मेरी टाइट पर जसा दे समय आवनी जानी सूरत साया छे मैं वन पाऊं हाथ जोड़ कर करू के विनती बुन घड़ियो ठा दे रानी अत्रि कहते समय मदनावत आंखों में पानी भर लेती है और एक अपना पति से कहती है तो क्या कह रही थी और क्या हरिश्चंद्र राजा सुन रहा था